हाथ दो फिर बस। अभी तुमने सबको विश किया इंटरनेशनल डॉग डे, सिर्फ खाने से मतलब है, सिर्फ जिंदगी में खाने से मतलब है, किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। इधर आओ इधर आओ। अच्छा मिलेगा मिलेगा, इधर आओ बैठो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंडर माय स्काई एंड दिस इज इशिता। तो आज हम डॉग्स के बारे में बात करेंगे, और अभी कुछ दिन पहले ही इंटरनेशनल डॉग डे गया है, और बहुत सारे लोग मेरी तरह डॉग लवर्स हैं और उनको पता है कि डॉग आपकी लाइफ में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इट्स जस्ट नॉट अ डॉग बट बहुत सारे ऐसे पेट्स जो आपके साथ रह के आपको कितनी पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, कितना अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं आपके घर के अंदर, और एट द सेम पॉइंट वो आप कि फ्रेंड भी होते हैं, आपका सबसे पहला प्यार भी होते हैं, एंड लॉट मोर यू नो लॉट मोर। तो ऑगी क्या तुम एक प्यारा सा पोज दोगे सबको? आर यू लिटिल बिट इंटरेस्टेड? ऑगी से हाय टू एवरीवन। क्या व्हाट इज हू? तो डॉग्स कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी लाइफ में, जो लोग रखते हैं उनको ऑलरेडी पता है, जो लोग नहीं रखते हैं दिस इज़ माई पर्सनल एडवाइस, प्लीज़ आप रख के देखिए वो आपकी लाइफ किस तरह से चेंज करते हैं। आपको कभी फील ही नहीं होगा कि आपकी ओगी प्लीज कम बैक ओगी ओगी। अगर मैं आप लोग को एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, तो जो भी डॉग ओनर्स होते हैं उनकी इम्यूनिटी और भी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, क्योंकि जो आपके पेट्स होते हैं वो बहुत सारे जर्म्स और वायरसेस को अट्रैक्ट करते हैं, जो कि उनके लिए बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं होता, लेकिन वो आपके लिए एट द सेम पॉइंट होता है। तो इसलिए बाहर में ये कल्चर भी है कि जब किसी का कोई छोटा बेबी बॉर्न होता है तो सेम पॉइंट पे वो कोई ना कोई पेट लेके आते हैं, मोस्टली डॉग्स लेके आते हैं। और हमारे इंडियन कल्चर में हमें लगता है कि डॉग्स के साथ बेबीज़ को नहीं रखना चाहिए, इन्फेक्शन हो जाता है। दिस इज़ जस्ट अ मिथ। बेबीज़ के साथ जब डॉग्स रहते हैं तो दोनों की ही इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। जब एक बेबी एक डॉग के साथ ग्रो होता है तो वो बहुत कुछ सीखता है। आप एज अ ह्यूमन भी बहुत ज़्यादा ग्रो करते हो एक डॉग के साथ, बहुत कुछ सीखते हो, आपकी लाइफ में लोनलीनेस नहीं होता है, और एट द सेम पॉइंट आपका डॉग आपके लिए इतना ज़्यादा प्यार दिखाता है, इतना ज़्यादा इमोशन दिखाता है कि आपको ये भी समझ में आता है कि आपकी लाइफ विदाउट डॉग कैसी है। जब तक आप रखेंगे नहीं तब तक आप इस फीलिंग को नहीं समझ सकते। तुम्हारे बारे में बातें करें कुछ, तो आज हम ऑगी को जानते हैं। ये एक ऐसा डॉग है हमारे घर में जिसको गुस्सा आता ही नहीं है, मतलब आप इसके साथ कुछ भी कर लो, कोई भी डॉग इस पर कितना भी ज़्यादा बात कर ले इससे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। इनमें एटीट्यूड बिल्कुल ज़ीरो है, और जो भी है वो केवल मेरे सामने, जैसा कि अभी आप फिर देख सकते हैं। सॉरी ऑगी में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है जैसा कि अभी आपने देखा, और उसको इस फ्रेम में रखना और भी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन इस वीडियो का केवल एक ही पर्पज़ था कि मैं आपको ऑगी से इंट्रोड्यूस कराऊँ, और मैं आपको शायद थोड़ा सा मोटिवेट कर पाऊँ कि आप भी अपने घर में पेट्स रखें और समझिए कि उनकी आपकी लाइफ में कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो सकती है। मेरी आप लोग से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने घर में पेट्स रखिए, स्ट्रीट डॉग्स का ख्याल रखिए, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत लोग को ये भी मिथ हुआ कि डॉग्स और भी सारे जानवरों को कोविड हो सकता है, और लोगों ने बिल्कुल भी ख्याल रखना छोड़ दिया। बट आप ये समझिए, अगर आप नहीं रखेंगे तो उनका ख्याल कौन रखेगा? और आप अपने घर में एक छोटा सा पेट लेके आइए, उसको जब आप देखेंगे कि वो छोटे से धीरे 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 कब बड़ा होता है, आप धीरे धीरे उससे इतना ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाएंगे कि आपको एक टाइम पे रियलाइज़ होगा कि आप पेट्स के बिना रह ही नहीं सकते।
एंड दिस इज़ द फैक्ट जो आप अपने अंदर डेवलप नहीं कर रहे उसका प्यार होता है जो आपके अंदर धीरे धीरे इन सारे फैक्ट्स को डेवलप करता है। और आप डॉग्स को रखने के बाद रियलाइज़ करेंगे कि आपकी लाइफ डॉग के बिना कितनी अधूरी थी, आपने कितना कुछ मिस किया अपनी लाइफ में जो और लोग एक्चुअली इन्जॉय कर रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है आपके घर में एक छोटा सा पेट होना, क्योंकि उसके साथ आप बहुत नई सारी चीज़ें सीखेंगे। आपको समझ में आएगा एक अनकंडीशनल लव कैसा होता है। अगर आपको आज का गेस्ट पसंद आया है और आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा क्यूट है, तो आप इसको इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।